सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेड। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पल्सर 220 के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर मेरे फ्रेंड की पल्सर 220 पर कुछ इस टाइप के विंगलेट को इंस्टॉल करने वाले हैं और चेक करेंगे कि इसे इंस्टॉल करने के बाद अपनी जो पल्सर 220 का लुक है वो किस टाइप से निकल के आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे भेजा साइगा पार्ट्स ने। अगर आप लोग जो है वो इस विंगलेट को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है वो इसके बाय करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो इस विंगलेट को बाय कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो स्क्रीन पर आप लोगों को जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल दिखाई दे रहा होगा, तो यार आप लोग फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो है फ्यूचर में कभी भी वीडियो वगैरह अपलोड करूँ तो आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। तो चलिए लगाते हैं इस विंगलेट को अपनी बाइक पर और देखते हैं कि अपनी जो 220 का लुक है वो किस टाइप से निकल के आता है। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, तो ऐसा कुछ आप लोगों को जो है वो पल्सर 220 का विंगलेट देखने को मिल जाएगा। और बात करा जाए इसकी क्वालिटी की, तो यार आप लोग देखो ये जो विंगलेट की क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ये जो विंगलेट है वो है अभी ग्लॉसी ब्लैक कलर में। अगर आप लोग जो है वो R15 V3 या फिर RS 200 के लिए विंगलेट वगैरह बाय करते हो तो आप लोगों को जो है वो उसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेड, ब्लैक और ब्लू या फिर वाइट वगैरह। तो ये जो विंगलेट है वो एकदम कंपनी फिटेड ही अपनी बाइक पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसे लगाने के लिए आप लोगों को जो है वो कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग जो है वो इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो इसे बाय कर सकते हो। और ये जो विंगलेट लगाने के बाद अपनी जो बाइक का लुक है वो एकदम ही एनहांस हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं इस विंगलेट को अपनी बाइक पर। तो इस विंगलेट को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट आप लोगों को जो अपनी पल्सर 220 का हेडलाइट है उसके नीचे आप लोगों को जो है वो दो स्क्रू दिखाई देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों स्क्रू को आप लोगों को खोलना है और अपना जो विंगलेट है उस पर आप लोगों को दो जो है वो दो होल दिखाई देंगे। तो इन दोनों होल्स को आप लोगों को मैच करना है और इन दोनों स्क्रूज़ को टाइट कर देना है। तो अपना जो विंगलेट है वो कुछ इस टाइप से लग जाएगा। तो मैं इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसे इंस्टॉल करने के बाद अपनी जो पल्सर 220 का लुक वगैरह है वो किस टाइप से निकल के आता है। तो अपना जो विंगलेट है वो अभी अच्छी तरह से लग चुका है। मुझे जो है वो इसका एक ही डिसएडवांटेज लगा कि इसे लगाने के बाद अपनी जो नंबर प्लेट है वो हल्की फुल्की सी हाइड हो जाएगी। पर लेकिन नंबर प्लेट जो है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं लगेगी, पर लेकिन नंबर प्लेट जो है वो इजीली लग जाएगी, बट उतने अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो पाएगी। बाकी आप लोग देखो बाइक जो है वो कितनी ज़्यादा सही दिख रही है। तो मैं अभी आप लोगों को जो है वो इसकी वो सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह दिखाता हूँ, देन करते हैं वीडियो को एंड। और भाई ने यहाँ पे देखो क्या लिखवा के रखे हैं, लेजेंड्स नेवर डाई। और पीछे भी मेरे भाई ने एक बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ लिखवा के रखा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को जो इस विंगलेट को लगाने के बाद पल्सर 220 का जो लुक निकल के आ रहा है वो कैसा लग रहा है। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, the message, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Thank you.
तो यही था वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को जो वीडियो वगैरह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो से लेला अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन बाय।